नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर की रेसिपी। सो आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है फ्रेश पालक। अब हम पालक को काट के ग्राइंड करेंगे। देखिए, मैंने पालक को अच्छे से पीस लिया है। पालक को बारीक पीसना है। अब हम पनीर को कट करेंगे। पनीर को देखिए मैंने कट कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे। तेल गरम हो गया है, मैं यहाँ पे आधा छोटा कप सरसों के तेल ऐड की हूँ। अब पनीर को अच्छे से फ्राई करेंगे दोनों साइड से, गैस का फ्लेम को तेज करके। देखिए, पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम पनीर को निकालेंगे। अब इसी तेल में हम आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे और पिसा हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर अच्छे से चलाना है। देखिए, मसाला हल्का सा पक चुका है। अब इसमें ऐड करना है कटा हुआ बारीक प्याज। प्याज ऐड करने के बाद फिर से इसे अच्छे से चलाना है। अब इसमें एक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, दो चम्मच घर में पिसा हुआ धनिया और जीरा पाउडर, दो चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। फिर से अच्छे से चलाना है मसाला को। मसाला को 2 से 3 मिनट के लिए तेज आंच पे अच्छे से पकाना है। देखिए, मसाला अच्छे से पक गया है। टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे से गल गया है। अब इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ पालक को। पालक ऐड करने के बाद थोड़ा सा चलाना है। चलाने के बाद फिर से इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है तेज आंच पे। जब पालक अच्छे से बॉईल हो जाए और कलर चेंज हो जाएगा, तब इसमें ऐड कर देना है पनीर। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। फिर से इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए तेज आंच पे पकाएंगे। अब गैस का फ्लेम को हमें धीमा कर देना है। देखिए, पानी जो है वो अच्छा से सूख गया है। अब इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच घी। अब हो गया है रेडी पालक पनीर का रेसिपी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सपोर्ट करने के लिए शेयर कीजिएगा, और एंड तक बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू।